जय माता दी। दोस्तों, 2021 में 13 तारीख को बुधवार के दिन अष्टमी व्रत सभी को रखना है। जो चढ़ती उतरती का व्रत रखती हैं उनको बुधवार को रखना है, और गुरुवार के दिन हवन होगा, नवमी होगा, और गुरुवार के दिन कन्या जिमाना भी है। तो जो भी ये नौ दिन का नवरात्र रखती हैं या नहीं रखती हैं, उनको कन्या जरूर जिमाना चाहिए। कन्या जिमाने मात्र से उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देवी के प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में अष्टमी अथवा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने का विधान है। इन कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जितना मिल जाए उतने से काम चलाना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती हैं। तो दोस्तों, कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कन्या जितनी भी मिल जाए उनको आदर से उनका पांव पखार करके, उनको कलर लगा करके, हाथ में कलावा बांध करके, तिलक करके उन्हें जिमाना चाहिए, और जिमाने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। जो भी कन्याएं होती हैं वो दुर्गा के रूप की ही होती हैं, तो उन्हें देवी मान करके उनका स्वागत करना चाहिए, और उन्हें जिमाने के बाद दक्षिणा अवश्य करें दें, और जय माता दी करते हुए उनकी विदाई करें। तो राधे राधे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। जय माता दी।